तो देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है। लोग घरों में गणपति बप्पा की स्थापना कर रहे हैं और देश प्रदेश के गणेश मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ रही है। भक्त सुबह से ही गणपति के दर्शन के लिए लाइनों में खड़े नजर आ रहे हैं। मंदिर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज रहे हैं। मुंबई के लाल बाग और सिद्धि विनायक मंदिर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ नजर आ रही है। और इस बीच चार अहम तस्वीरें देखिए, मुंबई से दो अहम तस्वीरें हैं, तो साथ ही आप रणथंभौर और जयपुर की भी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां गणपति के दर्शन के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर और मोती डूंगरी गणेश मंदिर की भी ये तस्वीरें, जहां लंबी कतारें सुबह से ही लग चुकी थी और ये कतारें और भी लंबी होती जा रही, क्योंकि हर कोई प्रथम पूज्य के दर्शन के लिए पहुंच रहा है। हर कोई दर्शन करना चाहता है, अपनी मनोकामना के लिए अर्जी लगाना चाहता है कि जल्द से जल्द इच्छाएं पूरी हों, और ये तभी होगा जब बप्पा का आशीर्वाद होगा। और मुंबई, रणथंभौर, जयपुर की अहम तस्वीरें आप देख सकते हैं। सिद्धि विनायक गणेश मंदिर, लालबाग चौराजा गणेश मंदिर की ये तस्वीर, तो साथ ही त्रिनेत्र गणेश मंदिर और जयपुर से मोती डूंगरी गणेश मंदिर की ये अहम तस्वीर है। इस बीच आपको आठ और अहम तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, प्रदेश की ये तस्वीरें हैं, जोधपुर रणथंभौर, फतेहपुर सीकर, बांसवाड़ा, झुंझुनू, राजसमंद, जैसलमेर के नाचना और डूंगरपुर के सागवाड़ा से ये अहम तस्वीरें हैं। और हर जगह आज एक सी भक्ति नजर आ रही है, वही श्रद्धालुओं की तादाद नजर आ रही है और भक्ति भाव से मंदिरों में पहुंच रहे हैं ये सभी श्रद्धालु। और अलग अलग मंदिरों की प्रदेश की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, और जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से घर बैठे भी दर्शन कर सकते हैं। हालांकि यहां पर भी हर जगह इंतजाम सुरक्षा खड़े किए गए हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर हैं, पुलिस का जाब्ता लगा हुआ है और साथ ही ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि कतार में ही श्रद्धालु रहें और आराम से अपनी बारी का इंतजार करें और दर्शन करके वो आशीर्वाद बप्पा का ले सके। तो ये आठ अहम तस्वीरें प्रदेश की। तो लगातार यहाँ मंदिरों में रौनक नजर आ रही है, उत्साह सुबह से ही श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है और ये कतारें कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि प्रथम पूज्य आराध्य के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चलिए, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिनेश जयपुर से जुड़े हैं, शुभम हमारे साथ अजमेर से, और साथ ही शिव प्रकाश पुरोहित भी जोधपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे राजधानी जयपुर की, किस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही है सामने, क्योंकि साल भर इंतजार रहता है गणेश चतुर्थी का और आज से 10 दिन का ये उत्सव है। राजधानी जयपुर में कैसे इसे मनाया जा रहा है, कैसे दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं? जी श्वेता, साल भर ही नहीं, ये कहें कि कोविड के चलते ये 2 साल बाद लोगों को उत्सव मनाने का मौका मिला है, और जो लोगों को एक पिछले लंबे समय से आज के इस फेस्टिवल का इंतजार था, वो बिल्कुल जोश और उत्साह उनके अंदर देखने में मिल रहा है। लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने आज मोती डूंगरी गणेश मंदिर में आकर दर्शन किए हैं, और ये जो लंबी लंबी लाइनें नज़र आ रही है, ये अल सुबह से ही यहाँ पर लगी हुई है। पुलिस प्रशासन का माकूल जाब्ता यहाँ पर तैनात है, सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, कोई समस्या पैदा ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन का माकूल जाब्ता यहाँ पर तैनात है। हमारे साथ पुलिस के अधिकारी हैं, मैं बात करूँगा उनसे, बात करना चाहूँगा कि सबसे पहले सुरक्षा को लेकर किस तरह के इन्होंने इंतजाम यहाँ पर कर रखे हैं। जी डिप्टी साहब, आप सुबह से कल शाम से यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, किस तरह के सुरक्षा को लेकर यहाँ इंतजाम किए गए हैं? पूरा डीसीपी साहब ने हमारे ने बहुत अच्छे तरीके से सेक्टर्स में विभाजित कर रखा है और अच्छी खासी पुलिस व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। देखिए, हाल ही में कुछ दिनों पहले खाटू श्याम जी मंदिर का भी एक मेला था खाटू श्याम जी में, और वहाँ एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी, उसको लेकर भी पूरा मुस्तैदी यहाँ पे दिखाई जा रही है। बिल्कुल, हमारे डीसीपी साहब खुद राउंड पे हैं, पूरा कंटिन्यूस यहीं पे हैं, और पूरा हम लाइनों में प्रॉपर, कोई ऐसा हादसा नहीं हो उसको देखते हुए ही पूरी व्यवस्था कर रखी है। कितने लगभग पुलिस के जवान यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, कितने वॉलेंटियर्स यहाँ पे लगाए गए हैं? पर्याप्त है, काफ़ी है। जी देख सकते हैं हम कि पुलिस का माकूल जाब्ता यहाँ पर तैनात है, और लगभग 200 से अधिक पुलिस के जवान यहाँ पर लगाए गए हैं, और इसके अलावा मंदिर ट्रस्ट और सामाजिक संस्थाओं के भी वॉलंटियर यहाँ पे काम कर रहे हैं।
हम फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, हम यहाँ के श्रद्धालुओं की भीड़ लाखों की तादाद में जो है श्रद्धालु अल सुबह से यहाँ पे, बिल्कुल, और इन श्रद्धालुओं से बात भी करिए क्योंकि घंटों लाइन में लगने के बाद दर्शन मुमकिन हो पा रहे हैं वहाँ पर, और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है ये कतारें और लंबी होती जा रही है। दूर दराज से आए लोगों से भी बातचीत कीजिए जरा कि क्या कह रहे हैं उनका, कितना लंबा इंतजार और कैसा महसूस कर रहे हैं आज इस खास मौके पर। जी कहाँ से आ रहे हैं आप, इतनी लंबी? हम खेलड़ी से आ रहे हैं, खेलड़ी से, खेलड़ी से। कितनी लंबी लाइन में आपने दर्शन किए, कितना समय हो गया आपको? आध घंटा हो गया, आध घंटा से जी तकरीबन। चलो सर चलो। आधा एक घंटे की लाइन में लगकर लोग दर्शन करने को मिल रहे हैं, और ये हालात दोपहर से पहले के हैं। अभी वर्तमान स्थिति की भीड़ जो है बढ़ती जा रही है, और ये लंबी लंबी लाइन हम अपने श्रद्धालुओं को दिखा सकते हैं जी। हम बात करते हैं अपने गणेश जी के, जो गणपति बप्पा मोरिया के जो भक्त हैं यहाँ पे, गणेश जी के जो भक्त हैं उनसे जी। कितना समय हो गया आपको लाइन में लगे हुए? एक घंटा अप्रोक्स, एक घंटा। कैसा कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाग लेने आए हुए? बहुत अच्छा महसूस कर। क्या लगता है आपकी मुराद पूरी होगी, आप अपने आराध्य के पास अपनी मनोकामना लेकर पहुंचे? बिल्कुल पूरी होगी, बहुत अच्छा जी। चलिए चलिए दिनेश, बिल्कुल वापस आपके पास लौटेंगे। जोधपुर का रुख कर रहे थे शिवप्रकाश पुरोहित भी हमारे साथ जुड़ चुके। शिवप्रकाश, जोधपुर की भी हमने तस्वीरें दर्शकों को दिखाई, लगातार सुबह से मंदिरों में कतारें श्रद्धालुओं की नजर आ रही हैं, और अभी क्या स्थिति है? अब तो और भी ज्यादा लंबी कतारें होंगी। जी निश्चित रूप से अभी हम खड़े हैं जोधपुर के रातानाडा गणेश मंदिर में। आप देख सकते हैं कि सुबह 4 बजे से जो है इसी तरह का जो नज़ारा है वो नज़र आ रहा है। इतनी ऊंचाई पर यह रातानाडा गणेश मंदिर है, लेकिन सुबह से जो लाइन है वो कुछ कमोवेश इसी तरह की लाइनें लगी है। अभी भी हजारों जो श्रद्धालु हैं वो लाइनों में खड़े हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से जो है लगातार प्रयास किए गए हैं कि जो किसी प्रकार की कोई जो भगदड़ ना हो, इसके लिए अलग अलग जगह पर बैरिकेड लगा करके जो ट्रैफिक को रोका गया है, और जो यातायात जो लोग श्रद्धालु आए हैं उनको भी रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि घंटों यहाँ लाइन में खड़े हैं। हम उनसे बात करेंगे कि कितनी देर से जो ये खड़े हैं श्रद्धालु आप, और कितनी घंटे? 2 घंटे। कितनी आस्था है जो भगवान गणेश के प्रति, 2 साल बाद वापस आ गए कोरोना को लेकर के खुला है, क्या कहना चाहेंगे? 2 साल बाद गणेश मंदिर वापस खुला है, बहुत उत्सुकता है दर्शन करने की। देखिए जो है व्यवस्था बनाने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, लंबी कतारें यहाँ लगी हुई है, और जो कार्यकर्ता हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि भीड़ को किसी न किसी तरह से नियंत्रित किया जाए, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में खाटू श्याम मंदिर में झांसा हुआ था, भगदड़ हुई थी, मेहरानगढ़ का आसा भी लोगों के जहन में है, तो इसको लेकर के इन तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो यह प्रयास यहाँ किया जा रहा है। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है वो भी प्रयास कर रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं को भी कहीं ना कहीं ये बात को समझना होगा कि इतनी अधिक भीड़ है कि जो व्यवस्था है उसमें सहयोग करें। यहाँ रातानाडा गणेश मंदिर अगर मैं बात करूँ तो ऐतिहासिक गणेश मंदिर है, रामायण काल से ऐसी मान्यता है कि यह प्रतिमा है वो स्वयंभू यहीं से प्रकट हुई है, और यह जो जोधपुर में जो भी मांगलिक कार्य होता है यहीं से शुरू होता है। सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यहाँ आकर के दर्शन किए थे, तो लोगों की अगाढ़ आस्था है। इसी कारण है कि 2 साल बाद जब आज भगवान गणेश का जो मंदिर वापस खुला है गणेश चतुर्थी पर, तो लोग यहाँ अवसर नहीं खोना चाहते, और घंटों इंतजार के बावजूद भी वो भगवान गणेश के दर्शन को लेकर के लालायत है। और सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम है, क्योंकि जिस तरह से नजर आ रहा है ऊपर तक सीढ़ियों में भी श्रद्धालुओं में पैर रखने की जगह नहीं है, तो ऐसे ऐसी स्थिति के मद्देनजर सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम कैसे, कितनी सख्ती नजर आ रही है? सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अलग अलग जगह पर बैरिकेड लगा करके रोका गया है, ताकि एक साथ जो मंदिर में प्रवेश नहीं हो पाए। मंदिर में आसपास के क्षेत्र में लगभग 100 CCTV कैमरे लगाए गए हैं,
400 पुलिस और होमगार्ड के जवान हैं जो यहाँ की व्यवस्थाएं सुबह से संभाले हुए हैं। इसके अलावा जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, एनसीसी के कार्यकर्ता हैं, एनएसएस के जो स्वयंसेवक हैं, वो यहाँ प्रयास कर रहे हैं और रात्रि 2 बजे तक यह मंदिर है खुला रहेगा दर्शनों के लिए। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि प्रयास सभी की ओर से किया जा रहा है क्योंकि गणेश चतुर्थी का पर्व एक मांगलिक पर्व है और सभी लोग चाहते हैं कि भगवान गणेश के दरबार में हाजिरी लगा करके अपनी जो मनोकामना है मनाया जाए, खुशहाल पूरे प्रदेश रहे और श्रद्धालु जो पहुंच रहे उन्हें अच्छे से दर्शन लाभ मिल सके, यही कोशिश यहां पर है प्रशासन स्तर पर भी और उसी लिहाज से इंतजाम भी किए गए। वापस आपके पास रुक करेंगे लेकिन शुभम भी हमारे साथ है अजमेर से। शुभम, अजमेर की भी जरा तस्वीरें दिखाई और इस वक्त आप कौन से मंदिर में मौजूद है? जी बिल्कुल, मैं अजमेर के जो प्राचीन आगरा गेट स्थित गणेश जी का मंदिर है मैं वहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ के जो हालात हैं, जो कतारें भक्तों की हैं, वो सुबह से जैसे थी वैसी की वैसी अभी भी नज़र आ रही हैं। लगातार जो भक्त हैं वो आ रहे हैं, अपनी मुरादें लेके आ रहे हैं और भगवान गणेश के सामने प्रसाद चढ़ा करके अपनी मुरादों को उनके सामने रख रहे हैं। आप देख सकते हैं जो मंदिर के अंदर जो बाहर जो कतार लगी है वो काफ़ी लंबी कतार है, करीबन पीछे तक जो मंदिर का जो पीछे बाहरी क्षेत्र है वहाँ तक की ये कतारें हैं और लगातार जो आस्था है क्योंकि प्राचीन मंदिर है गणेश जी का और एक मात्र ऐसा मंदिर है जो शहर के बीचों बीच है ताकि लोगों को जो आसपास के शहर के जितने भी लोग हैं वो उसी मंदिर को अपनी अरदास समझ करके यहाँ पे आते हैं और अपनी मनोकामना लेकर के भगवान गणेश के पास पहुँचते हैं। तो आप देख सकते हैं लगातार जो जो भक्त हैं वो अपनी मुरादें लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं और सुबह से ही ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। लगातार अगर इंतजामतों की बात करें, मंदिर का परिसर जो है वो काफ़ी छोटा है लेकिन जो मुख्य रोड है आगरा गेट, उस रोड पर जो कतारें हैं वो वहाँ तक पहुँची हुई हैं और जो प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने भी तमाम इंतजाम यहाँ पे व्यवस्था को लेकर के किए थे, किसी भी तरीके की कोई अनहोनी घटना ना हो, कोई चोर उचक्के यहाँ पर ना आए। तो पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी यहाँ पर तैनात किया गया है और जाब्ता तैनात करने के साथ ही यहाँ पर जो यातायात की व्यवस्था उसको लेकर के भी रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है और जो बैरिकेडिंग है उस बैरिकेडिंग को यहाँ पर लगा करके जो वाहन आते हैं उन वाहनों को अंदर आने का प्रवेश के लिए भी निषेध कर दिया गया है। वहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भगवान गणेश जी की मूर्ति है उसकी अभी कुछ देर बाद यहाँ पर आरती होगी और आरती के लिए यहाँ पर लोगों की भक्तों की भीड़ लगी है। लगातार सुबह से जो लोग हैं वो यहाँ आ रहे थे और अपनी मांगों को लेकर के जो अपनी इनकी जो मतलब अरदास है उसको लेकर के यहाँ पे वो खड़े हुए थे और अभी भी लंबी लंबी कतारों में वो यहाँ खड़े हुए हैं। अगर बात करें इस मंदिर परिसर की और पूरी जगत की तो मराठा काल से भी पुराना ये मंदिर बताया जाता है जिसकी आस्था और मान्यता काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे जो आसपास के लोगों के अलावा अन्य जो लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुँचते हैं और अपनी अपनी मनोकामना लेके पहुँचते हैं। आज गणेश चतुर्थी का अवसर तो है लेकिन आज बुधवार का दिन भी है तो भगवान गणेश का दिन भी माना जाता है लेकिन आने वाले जो 10 दिन होंगे ये काफ़ी विशेष होते हैं और ये मंदिर है इसमें अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पे 10 दिन किए जाते हैं। जो आरती होती है महाआरती होती है उसका भी एक अलग विशेषता यहाँ पे रहती है। हालांकि जो पंडित हैं जो यहाँ के ट्रस्टी हैं उनने तमाम व्यवस्था की हुई है और उसको लेकर के यहाँ पे पूर्व में कई बार प्रशासन से भी बैठक हुई थी कि यातायात की व्यवस्था ना बिगड़े, कोई माहौल ना बिगड़े, उसको लेकर के किस तरीके से इंतजाम किए जाएंगे। वो इंतजाम किए हुए हैं, आप मेरे कैमरामैन साथी आपको दिखाएंगे। जो पीछे बैरिकेडिंग है, जो पीछे का रोड है वहाँ पर बैरिकेडिंग करी हुई है और बैरिकेडिंग के जरिए रास्ते को भी बंद किया गया है। वहीं जो लगातार भक्तों की भीड़ है वो बढ़ती जा रही है और भक्तों की भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए भी यहाँ पे पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है लेकिन भक्तों की भीड़ जो है वो सुबह से बढ़ती आ रही है और अब कुछ देर में यहाँ पे आरती होगी। आरती को लेकर के यहाँ पे भक्त पहुँच रहे हैं और अपनी अपनी मुरादें भगवान के सामने लेकर के खड़े हुए हैं। जी श्वेता, बिल्कुल, और विशेष दिन भी है, बुधवार है, गणेश चतुर्थी है और श्रद्धालु भी गणेश जी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मनोकामना को वो सुन लें और खुशहाल जिंदगी रहे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ गुल मोहम्मद भी जुड़ चुके हैं कोटा से, जरा उनसे भी हम देखते हैं कि आखिर कोटा में क्या तस्वीरें हैं। गुल मोहम्मद, बेहद अहम है जहां हर जगह एक सी तस्वीरें हैं, मंदिरों में उत्साह है, धूम है, लंबी कतारें श्रद्धालुओं की है, कोटा की क्या तस्वीरें और इस वक्त आप कोटा के कौन से मंदिर में मौजूद हैं? बाजारों में गणपति की स्थापना हुई है तो उसका दृश्य आप नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं का ताता लगा हुआ है, जो श्रद्धालु है
उत्साह है और उस वजह से आपकी आवाज़ साफ नहीं आ पा रही है, लेकिन वापस आपका रुख जरूर करेंगे। जिस तरह से तस्वीरें जरूर हम देखना चाहेंगे, लगातार तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, फिर वो जयपुर हो, अजमेर हो, कोटा हो या फिर जोधपुर। एक बार फिर से जोधपुर का रुख कर लेते हैं, शिवप्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए। शिवप्रकाश, जोधपुर की अगर हम बात करें और तस्वीरें हम नजर भी आ रही हैं, लगातार वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कब तक दर्शन होंगे यहां पर? क्योंकि जिस तादाद में श्रद्धालु है सभी को दर्शन मिल सके तब तो देर रात्रि तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जी निश्चित रूप से जोधपुर का जो यह मंदिर है, सुबह 4 बजे महाआरती के साथ यहाँ दर्शनों का सिलसिला जो प्रारंभ हुआ था और लगातार कुछ इसी तरह की लाइनें हैं वो यहाँ नजर आ रही है। श्रद्धालु चार घंटे तक लाइनों में खड़े हैं। रात्रि 2 बजे तक इस मंदिर में दर्शनों की व्यवस्था रहेगी और जो भी श्रद्धालु आया है उसको दर्शन की व्यवस्था हो यह प्रयास किया जा रहा है। अभी भी काफ़ी समय है, हालांकि रात्रि 2 बजे तक यहाँ व्यवस्था की गई तो श्रद्धालु भी चाहे उनको घंटा इंतजार करना पड़े लेकिन वह बाबा की झलक वो पाना चाहते हैं। हम जो लोग हैं हम उनसे बात करना चाहेंगे, कितने घंटे से आप खड़े हैं और भगवान गणेश के से आप क्या मनोकामना मांगेंगे? हम मनोकामना मांगने की हमारी जल्दी जॉब लग जाए और बस। कितनी देर से आपको खड़े हैं? 4 घंटे हो गए। कोई आपको सुविधा नहीं हो रही है आपके भगवान गणेश के दर्शन करने को लेकर के? क्या कहना चाहेंगे आज गणेश चतुर्थी पर? सभी को मैं प्रशासन का कार्य बिल्कुल कम है, भीड़ भड़का हो रहा है, सही तरीके से नहीं हो रही है। देखिए जो श्रद्धालु हैं उनका जोश आप देख सकते हैं कि सभी गणपति बप्पा मोरिया के जो है नारे लगा रहे हैं। एक जो उनका ये कहना है कि उनके कहीं ना कहीं क्योंकि घंटों इंतजार करना पड़ता है, थोड़ी व्यवस्थाओं में कमी, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 1 लाख से अधिक श्रद्धालु है वो दर्शन यहाँ कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है लेकिन सभी का सामूहिक प्रयास है कि व्यवस्थाएँ बनाए रखी जा सके ताकि सभी जो आए हैं उनको दर्शन हो। बिल्कुल, व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे यही कोशिश यहाँ पर सभी की नजर भी आ रही है। एक बार फिर से जयपुर का रुख करते हैं, वहां से होगी दिनेश लगातार हमारे साथ बने हुए। दिनेश, क्योंकि 10 दिन का ये उत्सव होता है, आज से इसकी शुरुआत हुई है और हर दिन कई अहम कार्यक्रम भी होते हैं, क्योंकि आप मोती टुकड़ी गणेश मंदिर में मौजूद हैं, वहां पर अभी फिलहाल क्या तस्वीरें, आगे की क्या कार्यक्रम वहां पर रहने वाले हैं, अगर आपकी मंदिर महंत से बातचीत हुई हो तो? बिल्कुल श्वेता, देखिए 10 दिन का उत्सव है लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है वो आज है, क्योंकि आज भगवान गणेश जी का जन्मदिन है, जन्मोत्सव है। तो ऐसे में जो पूरे देश के आराध्य देव भगवान गणेश का जन्मोत्सव है तो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। और बात करें गणेश जी मोती डूंगरी की तो अल सुबह से जो लाखों की तादाद में यहाँ भक्तों का आना शुरू है, अपने आराध्य देव अपने प्रथम पूज्य के जन्मोत्सव को मनाने का जो लोगों में जो भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है वो बिल्कुल देखने काबिल है। और श्वेता ये जो जोश और उत्साह है ये लगातार बना हुआ है। ऐसे में गणेश मंदिर के 3 तरफ जो है त्रिमूर्ति सर्किल से लेकर मंदिर तक या JDA सर्किल हो या रिजर्व बैंक टोंक रोड, वहाँ से लेकर पूरे मंदिर तक लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो है लाइनों में खड़े हैं। 6 अलग अलग बैरिकेटिंग करके लाइनें बनाई गई है लेकिन पूरी की पूरी लाइनें जो है यहाँ पे भरी हुई है। भक्तगण एक दूसरे से सट के चल रहे, हालात ऐसे हैं कि एक किसी के बीच में 1 इंच पर की भी जगह नहीं है। इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि तकरीबन 10 लाख से अधिक लोगों ने अब तक यहाँ दर्शन किए हैं। मंदिर ट्रस्ट का भी एक अनुमान है कि देर रात 11:30 बजे से 12 बजे के बीच जो है मंगला आरती होगी, उसके बाद भगवान गणेश जी को, भगवान गणपति जी को शयन करवाया जाएगा। तब तक लगभग 15 लाख से अधिक भक्तगण यहाँ पे दर्शन कर चुके होंगे। चलिए दिनेश, बिल्कुल, और क्योंकि कतार लंबी है, व्यवस्थाएं भी हैं, जिस तरह से हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई, सुरक्षा प्रमुख मुद्दा भी रहा है मंदिरों में और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है, लेकिन श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और हम भी उम्मीद करते हैं कि सभी के विघ्नों का हरण करें गजानन, और इसलिए सभी पहुँच भी रहे हैं श्रद्धालु दर्शन करने के लिए और मनोकामनाएँ पूर्ण करने के लिए। चलिए इसी के साथ आप सभी का बहुत शुक्रिया तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए और आपके जरिए हमने दर्शकों तक भी तस्वीरें पहुँचाई। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाज़त।